हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक ओर बीजेपी से उनका गठबंधन टूट गया है, वहीं हरियाणा में किसानों द्वारा उनकी पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उस समय पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भी पार्टी के कुछ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। सोमवार को हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हांसी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से करवाए गए अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी का लोकसभा चुनावों का जनसंपर्क अभियान गति के साथ आगे बढ़ रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नए साथी जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, मेरा मानना है कि पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ हिसार लोकसभा क्षेत्र को हम जीतेंगे और आने वाले समय के अंदर विधानसभा के मद्देनजर भी पार्टी संगठित तौर पर आगे ले जाने का काम करेंगे। नए परिवारों की हिस्सेदारी जननायक जनता पार्टी में बन रही है। पार्टी का फैसला है कि नवरात्रों में लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के इस्तीफा देने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी के पास कोई भी इस्तीफा नहीं आया है, मीडिया से उन्हें जानकारी मिली है। औपचारिक रूप से इस्तीफा आएगा तो हम चाहेंगे कि वो उस पर पुनर्विचार करें। पार्टी के कई लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस हालात में उन्होंने ये फैसला लिया है। भविष्य में बीजेपी से गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि अभी इस विषय पर ना तो कुछ कहूंगा और ना ही कहने की पोजीशन में हूं। कौन किसके साथ जाएगा ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं। देखिए, मेरे भी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। औपचारिक तौर पर कोई इस्तीफा पार्टी के पास आया नहीं है और आएगा। पार्टी ने तो जो मान सम्मान दिया है, मैं मानता हूँ वो उनकी इच्छा होगी कि उन्हें राजनीतिक सफ़र की वो नई शुरुआत करने का अगर निर्णय लिया। पार्टी के अनेक लोग उनसे निरंतर संपर्क कर भी रहे हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना जो निर्णय उन्हें किस हालात में लिया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।